बिजली पोल पर द्वितीय प्रसंग पर नजर पकवा द्वितीय प्रसंग हो 22 घंटा घंटिला विजिलेंस विजिलेंस टीम रो 22 घंटा सर्च ऑपरेशन प्रताप सामल को सब बैंक अकाउंट को वर्तमान फ्रीज करा जाय छी। कुबेर प्रताप को संपत्ति देखी विजिलेंस भी ताजुब कारण 33 वर्ष चाकरी काल रे से 33 कोटी टंकार मालिक होइछंती 33 कोटी टंका संपत्ति रो से मालिक होइछंती किंतु सब भीतर विजिलेंस जति की ए संपत्ति देखी ताजुब ताठारु अधिक ताजुब साधारण व्यक्ति कारण एते बड़ साम्राज्य को से किभली भाव में विस्तार कले ताकु नै प्रश्न उठी एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होची केवल निज नारे नुह निज परिवार रा प्रत्येक सदस्य को नारे से संपत्ति रखिछंती बा समस्त को नारे प्लॉट करिछंती समस्त को नारे बैंक पासबुक करिछंती जेउ भली भाव रे तांको नारे गोटिए परे गोटिए प्लॉट सामना को आसुची से डेप्युटी मैनेजर प्रताप सामल नुहंती कहि परिबा जे प्लॉट मैन प्रताप सामल कारण जो भाई भाव में 22-25 प्लट रही तीन कोटी 41,58,000 टंका रही गोटे गोटे प्लट्र दाम बा जो जो कोठा सीज कर तार दाम रही किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा विभिन्न बैंक तांकर 11 अकाउंट मिली जो थे 1,61,75,000 टंका रही इन्सुरांस बाबद को 57,72,000 प्रीमियम भरणा करा जाई एवं ए संपर्क में विजिलेंस डीजी जसवंत जेठवा सूचना देखते सबु संपत्ति बजार दर ठारु ढेर अधिक हेबो जहार मूल्यांकन विजिलेंस टेक्निकल टीम आकलन करा संपत्तिर आकलन ठीक भावे पारिना कारण उभा जेते पोता सेठे पोता सेते वर्तमान समय पर्यंत से संपत्ति सामना को आसुची 22 घंटार ऑपरेशन अर्थात 22 घंटार रेड कर ओपीएचडब्ल्यूसी डेप्युटी मैनेजर प्रताप सामल को घरे 22 घंटा धरी विजिलेंस रेड करिछि। इस संपर्क में अधिक आलोचना करने पूर्वतन एसपी दीप्ति रंजन राय वर्तमान फोन लाइन में जोड़े जाइंट श्रीजुक्त राय आपको आलोचना को स्वागत ए पूरा घटन आपण प्राथमिक प्रतिक्रिया नापी चाहिए एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो जड़े सरकारी कर्मचारी कौन सहज हुए ए सब संपत्ति को द्विगुणित कर आपण देखंतु कोनसी सीनियर क्लास ऑफ ऑफिसर रिटायरमेंट बेलू भी तार 1 करोड़ पाखापाखि जाऊ न तो ये बाबूंकर वर्तमान सुधा प्राथमिक आकलन रु इट इज मोर देन 33 करोड़ बाहरुची आहुरी बाहर संभावना मध्य अच्छी तेणु एटा बहुत अधिक है। प्रश्न हूँ ये जो जिनसा को विजिलेंस टाइप कर भुवनेश्वर से पुलिस कंट्रोल रिसेंटली कला परे एटा गोटे सक्सेसफुल ट्रैप छोट छोटिया ट्रैप 10 कोटी अपेक्षा एमटा गोटे ट्रैप कले एटा गोटे समाज को गोटे भल दिग्दर्शन जीव ये जो डबल ट्रैप है गोटे कथा देखा कथा कौन से बैंक अकाउंट को देखते केते टंका से निजर लोन फोन देखते से डिडक्ट करने को पड़े किंतु वर्तमान सुधा जहाँ जी जनाला विजिलेंस 22 घंटा ऑपरेशन परे से जमी टंका को फिंगी देले जो तो 5-5 कोठा आउ आप 11 बैंक अकाउंट आउ जिन देखकर जी वैल्युएशन हो माने इट इज एनफ एटा बहुत अधिका हो गला विजिलेंस जो ट्रैक करते विजिलेंस को आम गोटे धन्यवाद एमती गोटे सक्सेसफुल ट्रैक कर ये बाबू जहा कर से गोटे अक्षमणीय अपराध आर जी करप्शन आक्ट रे डीए केस रे जहाँ केस हवा सहित सहित डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस रे आहुरी से मकदा बोधी विजिलेंस सुपरविजन इन्वेस्टिगेशन पर आड करेंगे आर मोर या ऑब्जर्वेशन इज लाइकली टू बी फॉरवर्डेड किंतु श्रीजुक्त राय आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा सामना को आसुची जे जितेबले जने डेप्युटी मैनेजर रही सीनियर अथॉरिटी को अजाणत रे ए सब संपत्ति से करिबा कोन संभव हुए कि सुनंतु हां गोटे कथा कहुची आपण सी होचंती डेप्युटी मैनेजर जने सीनियर ऑफिसर पाकु गोटे प्रोजेक्ट सैंक्शन हबो सपोज गोटे 50 कोटी टंकार कि 50 लक्ष टंकार प्रोजेक्ट सांसन जो सीनियर अफसर पाए जो कमटा अर्डर हो गला सीनियर अफसर पाखु से वर्क एक्जिक्यूट करवा कार्य हूँ आमर गवर्नमेंट सांसन करदेला गोटे प्रोजेक्ट उपर 15 करोड़
से 15 crores ୱାର୍ ସାଂକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ସେ 15 crores କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ପାୱାର ପ୍ରିଭିଲେଜ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କରି ନେଇ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ସୋଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ କୋଉ ସୁପରିୟର ଅଫିସର ସହିତ ପ୍ରମାଣକୁ ଆସିବ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋବାଇଲରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବେ କି ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ କି କିଛି ଫାଇଲ ପଠେଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଙ୍କ ପଢିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ୱାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବେ। ଇଏ ସ୍ପେସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ରାଙ୍କକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଯୋଉ 2003 ସେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ରାଙ୍କକୁ ଗଲେ ସେଇ ପିରିୟଡରେ ହି ଟୁକ୍ ଦି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ, ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଯାହାକୁ ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ଇଏ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ରାୟ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ରହିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ। କୁବେର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ନଜର ରହୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ବି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 33 crore ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ବିଗ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫଲୋଅପ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।